सरकारी काम कैसे होते हैं इसकी एक बानगी छतरपुर के नौगांव में देखने को मिली है, जब पहली बारिश में ही नगर पालिका द्वारा बनाया गया फुटपाथ और नाली पानी में बह गए। बारिश ने एक झटके में घटिया निर्माण की पोल खोल कर रख दी। नौगांव में हुई झमाझम बारिश की वजह से जगह जगह सड़कों पर पानी भर गया, लोगों की कमर तक पानी आ गया, दुकानदारों का सामान सड़क पर बहता हुआ दिखाई दिया, अस्पताल में भी बरसात का पानी भर गया। एक घंटे से ज्यादा देर तक हुई बारिश से नौगांव नगर पालिका द्वारा 25 लाख की लागत से बनाए गए फुटपाथ और नाली बह गए, जबकि निर्माण कार्य अभी चल ही रहा है। कई लोगों ने घटिया निर्माण की शिकायत नगर पालिका में भी की थी, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब नगर पालिका के अधिकारी नगर में पानी निकालने के लिए टीम गठित करने की बात कह रहे हैं, वहीं घटिया फुटपाथ निर्माण और नाली निर्माण पर अपनी सफाई देते हुए कहा अभी इसका पेमेंट ठेकेदार को नहीं किया गया है। पालिका द्वारा पूरे नगर का सर्वे कराया गया था, सर्वे के उपरांत जो बड़ी बड़ी पुलियां थी कोठी चौराहे पे और पीडब्ल्यूडी क्वार्टर का, उनको निर्माण भी कराया गया है। ये जो पानी जहाँ पे भरा हुआ है वहाँ चूँकि नालियाँ कवर्ड हैं और पानी नाली से ज़्यादा भरने पर गिरने की वजह से वहाँ पानी आया है, उसके लिए नगर पालिका ने 14 टीमें गठित की गई हैं, जहाँ भी ऐसी कोई समस्या आई तत्काल वहाँ से सफाई कराई गई। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।